गुड मॉर्निंग यूट्यूब एंड नमस्ते इंडिया। स्वागत करता हूँ आपका इस अपने चैनल पे जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बाबा जी। जैसे कि आप थंबनेल से समझ ही चुके होंगे कि आज हम अपने जो ये मेरा ईयर पीस था इसको रिपेयर करने वाले हैं। अब हुआ यूँ कि सुबह जब मैं अपने रूम से निकला तो मैंने देखा यार कि जो मेरी ईयर पीस है ना, जो ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं, वो वॉल्यूम उसमें नहीं आ रही। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए जो हमारा ईयर पीस था, ऑब्वियस जो ख़राब हो चुका था, और ये तो आई शोल्डरिंग शोल्डर, और ये कटर हमने यूज़ करा, और ये पेस्ट था शोल्डरिंग पेस्ट, और ये थोड़ी सी टेप सेलो टेप, और ये हमारा शोल्डरिंग आयरन जो हमारा हथियार होने वाला आज का। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। पहले तो हमने जो हमारी जो ईयर पीस में जो ये ब्लैक कलर की डिब्बी होती है इसे ओपन कर लेते हैं। इसमें कि स्विच, एक बटन रहता है ये वाला, और ये माइक्रोफोन रहता है। तो जब मैंने इसको ओपन किया तो ये देखिए, आप सर्किट में देख पा रहे हो यहाँ पर कि देखिए इस तरह के कनेक्शन रहते हैं। तो मुझे क्या करना था, मुझे क्योंकि वैसे भी मेरे इस ईयर पीस है ना वॉल्यूम उतनी अच्छे से नहीं आ पाती थी, मतलब वॉल्यूम आती थी अच्छी सी बट उसमें माइक अच्छे से काम नहीं करता था। तो मैंने सोचा कि मैं ना इस माइक को रिमूव ही कर देता हूँ। तो अभी देखिए मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आपको, कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इस वीडियो में समझ पाए। तो ये जो माइक लगा, माइक और ये जो बटन लगा है, जो पुश बटन है, इसको हम इससे रिमूव करेंगे। और ये जो मेरे लेफ्ट हैंड में आप देख रहे होंगे, ये वाली जो वायर है ये आई है हमारे स्पीकर से, और ये दो वायर मैंने अभी उंगली रखी थी, ये थे गए स्विच पे। ठीक है, और जो राइट साइड में है वो वायर वो वाली है जो हमारी गई है ईयर पीस की साइड में, हमारे जैक की साइड में, ईयर पीस के जैक की साइड में। देखिए मैंने वायर वहाँ से स्विच से रिमूव कर दी जो हमारी ईयर मतलब हमारी स्पीकर साइड से आई थी। देखिए, और ये मैंने यहाँ से अपना जो हमारा ये माइक और जो स्विच का सेटअप था उसको अलग कर दिया। अब देखिए इसमें ये देख रहे हैं क्लिप लगी हुई है, एक क्लिप, ये क्लिप इसलिए थी जिससे कि उस जो डिब्बी है वो जो बॉक्स है उससे ज़्यादा प्रेशर से खींचे तो बाहर को ना आए। इससे क्या होता है वायर का जो पॉइंट होता है वो थोड़ा सा प्रोटेक्टेड रहता है। देखिए, और ये मैं कोशिश कर रहा था कि आपको मैं माइक भी दिखा पाऊँ कि माइक, देखिए माइक का साइज़ देखिए इतना छोटा है, माइक का साइज़ माइक्रो है एक तरह का, ये छोटा सा, और वो अपना स्विच है, पुश बटन है। ये बेसिकली काम क्या करता है, माइक तो आपको पता ही है रिकॉर्डिंग जो आप करते हैं उसके लिए काम करता है, और बटन इसलिए होता है कि फॉर एग्जांपल कई बार आपको कॉल रिसीव करनी होती है, कॉल या सॉन्ग जो चल रहा है उसको रोकना होता है, पॉज करना होता है, तो उस समय ये वाला स्विच हमारा काम आता है। तो मुझे इसकी रिक्वायरमेंट कुछ थी नहीं, ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दिया था। अब हम क्या करेंगे, ये जो क्लिप है ना, क्लिप्स, इसको पहले निकालेंगे क्लिप्स को। ठीक है, ये देखिए, ये इस तरह से मैंने ये एक फ़ोटो भी इसके अंदर लगाई है, इमेज लगाई है, जिससे कि आप उसको क्लियर समझ पाए। अब देखिए सबसे पहले ना मैंने क्लिप निकाल ली है। देखिए ये राइट साइड में जो है ना वो हमारा किस साइड से आ रहा है, हमारी जो 3.5 mm का जगह है उस साइड से आ रहा है, और लेफ्ट साइड हमारा आ रहा है ये हमारा स्पीकर की साइड से आ रहा है। देखिए, तो मैं दोनों क्लिप निकाल के दिखा दिया, अब दोनों क्लिप निकाली, और राइट साइड में देखूँगा जहाँ से हमारी वायर जैक से आई थी ना, जैक से वहाँ से हल्की सी ये कटी हुई थी, मतलब वायर वहाँ से टूटी हुई थी, तो मैंने इसको थोड़ा छील लिया था। इस ब्लैक वाले पोर्शन को देख लूँगा राइट साइड में, आप इस जो वायर का बाहर का कवर था उसको मैंने थोड़ा छील लिया था, उसको मैं सेंटर में ले आया था, सेंटर में लाया था उस वाले पॉइंट के ऊपर जो ऑलरेडी अच्छे से जुड़ा हुआ था। ठीक है, यहाँ पर जहाँ पर आप सेंटर में देख रहे हैं ब्लैक वाला जो कवर आ रखा है वो प्रोटेक्शन काम किया उसने एक तरह से दूसरी वाली वायर के लिए। अब ये जो दो वायर है ना, वायर जो हमारे स्पीकर के साइड से आए थे उस दोनों में, देखिए उनको हमें थोड़ा शोल्डिंग करनी पड़ेगी ताकि थोड़ा सा वो सही से हम कहीं पर जोड़ सकें। तो उसके लिए पहले हमने क्या किया, इस वायर को थोड़ा सा स्टार्टिंग में थोड़ा सा घिस लेते हैं जिससे कि स्क्रैच कर लेते हैं, जिससे कि उसमें पे कोटिंग अच्छे से हो पाए, शोल्डिंग हो पाए, क्योंकि बिना वो कोट हटाई शोल्डिंग नहीं हो पाती है। अब देखिए, अब ये हमारा जो लेफ़्ट साइड है ये वही है स्पीकर वाली साइड, और राइट साइड हमारा है जो हमारी 3.5 mm की जैक साइड से आई है। अब देखिए होता क्या है कि ये जो जैक साइड से ना ये दो वायर आई हैं, ये दोनों हमारे जो है फ़ोन में जो लगती हैं तो वहाँ से कनेक्शन आप जैसे उस डायग्राम में दिखा होगा। तो अब देखिए हम ये शोल्डरिंग वायर हमने लिया, ठीक है, शोल्डिंग वायर लिया, उसके बाद ना ये जो हमारा 3.5 mm जैक है इसमें एक वायर ऐसी है, एक वायर जो हमारा स्पीकर साइड से आया है उस वायर को हमने
दो वायर जो हैं दोनों स्पीकर से दो दो वायर आई होती हैं, दोनों दो पहले वायर का कनेक्शन पहले जुड़ा हुआ था, जो ऊपर पे जो आप देखेंगे दो वायर आ रखे हैं एक साइड से, वो दो वायर हैं हमारी दोनों स्पीकर से आई हैं एक एक वायर। अब उसको साथ में हमारा जो माइक के साइड से एक वायर आया था उसको मैंने तीनों यहाँ पर रखा, थोड़ा सा वहाँ पर पेस्ट लगाया, उसके बाद उसे मिले शुरू मेरा तुम्हारा कर दिया, मतलब कनेक्शन जोड़ दिया। देखिए यह हमने इसको शोल्डरिंग कर दिया, चेक करने के बाद मैंने बीच में एक बार इसको ना अपने फ़ोन पे लगाकर भी चेक किया था कि क्या वो ऑडियो जो है फ़ोन में प्ले हो रहा है, मुझे सुनाई दे रहा है नहीं दे रहा ईयर पीस में। उसके बाद थोड़ा क्योंकि उस टाइम मेरे पास कोई और टेप नहीं थी, इसलिए मैंने इसके लिए इस पर ये जो टेप मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाई थी सेलो टेप वो लगा दिया है ताकि इसका कहीं कनेक्शन शॉर्ट ना हो। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। और ये वो वायर है जो हमारी जैक की तरफ से आई थी, जो एक्स्ट्रा वायर थी, उसकी रिक्वायरमेंट हमें तब पड़ती जब हम माइक से काम लेते हैं या उस वो जो बटन है बटन उसको पुश करने से वॉल्यूम रुकती है, वॉल्यूम स्टॉप होती है, या कोई गाना चला स्टॉप होता है, या कॉल ड्रॉप होती है, कॉल पिक होती है, ठीक है। अब देखिए मैंने ये नीचे वाले बॉक्स भी लगा दिया और एक साइड आप देख रहे होंगे मैंने दोनों साइड ने यहाँ पर क्लिप भी लगा दिए हैं, वो जो स्टार्टिंग में क्लिप लगाई गई थी वो क्लिप भी लगा दिए हैं। देखिए अब क्या करें, हमने इस बॉक्स को बंद कर लिया, ठीक है। अच्छे से ये एक जैसे पैन का ढक्कन होता है वो कैप होती है वो पैक होता है, उसी तरह से ये पैक हो जाता है, ये हो गया पैक। अब देखिए ये जो मैंने इसमें से अपने जो माइक और पुश बटन निकाला है इसको हम आगे कभी यूज़ करेंगे, और ये हमारे हो गए हैं रिपेयर बहुत ही आसानी से इसमें। और अगर इनकेस आप चाहते हैं अगर आपके पास जो ईयर पीस माइक और ये बटन लगाना चाहते हैं तो आप वैसे भी कर सकते हैं डायग्राम के हिसाब से जो मैंने आपको दिखाया स्टार्टिंग में, और हम इसको आगे यूज़ करेंगे। तो तब तक प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।